वीडियोस देखते हो रोज 8:30। देखो यार ऐसी ऐसी वाली सपोर्ट और प्यार मिलता रहे तो सीधी सी मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, आप देख लेना ये कितनी तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन कराई है अजर ने। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे गले की बहुत बुरी हालत हो गई है, शायद जुकाम लग गया है। आई डोंट नो कैसा वाला जुकाम है यार, मतलब ना लग रहा है और ना जा रहा है। सो नॉट ओमिक्रॉन, नॉट कोरोना वायरस, क्योंकि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, मैं कुछ लो फील नहीं कर रहा। तो अभी हम उठ के ब्रेकफास्ट बनाते हैं, कुछ खाने के लिए फुलके पकाते हैं, और उसके बाद मैंने कपड़े डाले थे, आज 2 दिन हो गए वो कपड़े वहीं के वहीं पड़े हो, तो कपड़े धोते हैं उसके बाद। पहले ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। गाइज ब्रेकफास्ट तो बन के रेडी हो गया, पर मैं ना आपको शेप दिखाता हूँ आज मैंने कैसी कैसी अलग अलग शेप की। इतना छोटा सा ये देखो, मतलब ये देखो, खैर खाना ही हमने। तो ब्रेकफास्ट तो हो गया मेरा, और साथ ही साथ मैंने अपने कपड़े भी धो लिए लगे हाथ, और दिन का खाना भी बना लिया, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट टेस्ट चलेगा तो वो 3 बजे के बाद टाइम नहीं बचता। दिन का खाना वो शाम के ही में आ जाता है, और रात को फिर भूख नहीं लगती टाइम से, और टाइम से ना इंसान खा पाता है ना सो पाता है, एडिटिंग भी करनी होती है, तो सारा कुछ बहुत मैसी सा हो जाता है। मैं कपड़े डालने के लिए ऊपर छत पे जा रहा था, शायद बाहर बारिश आई हुई है, देखते हैं डालते हैं या नहीं डालते। अजर की कॉल आई थी, तो उसने मेरे को बोला कि उसने गाड़ी में कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करानी है आई गेस, तो उसके साथ चलेंगे बाहर, चल के देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन वो कराएगा क्या नहीं। फिलहाल तो मैं इंटरनल असेसमेंट तैयारी करता हूँ अपनी, और निकालते हैं शीट्स वीट्स, उस पर रोल नंबर वगैरह जो भी लिखना होता है सारा का सारा लिख के रेडी रखते हैं सारा कुछ, उसके बाद अजर का वेट करते हैं हम। बारिश आई हुई है तो चलो चलते हैं अजर के साथ। अजर बाहर निकल गया बाय द वे, और ये देखिए बाहर कौन है खड़ा हुआ हमारे साथ, अजर महाशय। अजर भाई कहाँ थे, कहाँ कैसे खजल हुए आज? काम था थोड़ा, गाड़ी को मॉडिफाई करवाना था थोड़ा। अच्छा कहाँ पे लगाई हुई गाड़ी? इधर नीचे आ रहा है। तो भाई देखे अभी अभी हम, मैं ना सुबह से अभी बाहर निकला हूँ, वो अजर और मैंने ना ये देखो यहाँ पे आज कितना कॉजी सा माहौल है, एकदम बारिश आई हुई है, और मैं सोच रहा हूँ अजर के साथ नीचे चलते हैं और देखते हैं इसकी गाड़ी, इसने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई है। हाँ मेरी जान नहीं, चलते हैं, मुझे लगता है तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन कराई होगी, क्योंकि इसने मेरे को कॉल करी गाड़ी मॉडिफाई करानी है तो मेरे साथ चलना, मैं नहीं चल पाया। अभी चलते हैं सीधा नीचे और देखते हैं इसकी गाड़ी, और साथ में आपको भी दिखाते हैं। रास्ते में व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगा मैं, पर ज़्यादा लाउड नहीं बोल सकता क्योंकि गला दुख रहा है मेरा, और सुन सकते हो। तो अभी हम निकल आए हैं बाहर, जा रहे हैं अजर की गाड़ी देखने के लिए। बाय द वे ये एग्जैक्ट सेम जगह है जहाँ पे मैंने उस दिन वो वीडियो बनाई थी, मेरी 10th की दोस्त और उसका बच्चा, वो इधर अंदर शॉप के अंदर बैठी हुई थी पीछे वाली में, तो वहाँ पे उसने ना एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था, तो पहले तो मेरे को नहीं यकीन हुआ, जब मैंने गौर से देखा तो लाइक लगा हाँ सच में उसी का बच्चा है, ले शोर कर लो। और वहीं से मेरे को टाइटल सूझ गया कि मेरी 10th की दोस्त और उसका बच्चा। बाय द वे अगर आप ये वीडियो देखते हो ना तो आ जाओ। बाय द वे हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं यहाँ पे शॉप पे हैं, तो मैंने बोला उनको व्लॉग में आने के लिए, पर वो नहीं आ रहे व्लॉग में, तो लाइक थैंक यू सो मच। वीडियोस देखते हो रोज 8:30। देखो यार ऐसी ऐसी वाली सपोर्ट और प्यार मिलता रहे तो थैंक यू सो मच। अल्लाह मटे यार, फिर से अल्लाह मटे आज निकल गया। मुझे काफ़ी सारी बंदू ने बोला है कि ये वर्ड जो है वो मीनिंगलेस है, तो अल्लाह मटे मत यूज़ किया करो आप, इसकी जगह अल्लाह हाफिज़ या ऐसा कुछ यूज़ किया करो। अभी बारिश होनी स्टार्ट होगी, अजर भाग मत यार, मेरे को डर लगता है पब्लिक में व्लॉग करते हुए लाइक कोई मारना शुरू हो जाए मुझे तो। बॉडी बिल्ड किस लिए तेरे साथ? ये देखो ये मेरा बाउंसर है आज का, इसका कुछ पता ही नहीं है। देखो इसकी बाजू देखो कैसी सूखी हुई है बेचारे की। खैर यार क्या कर, सस्ते वाले बाउंसर ऐसे ही मिलते हैं, आप क्या बोल सकते हो। और मैं यही मिलेगा, और मेरे साथ नहीं, ये दूसरा वाला एक्सपीरियंस था, लाइक सेकंड टाइम मुझे कोई सब्सक्राइबर मिला और वो भी पब्लिक में। बाय द वे ये जैकेट बहुत वाइब्रेंट सा लगता है, और रियल में ये इतना गंदा हुआ है ना, इतना मैला हुआ है, पर वीडियो में ये अच्छा लगता है तो मैंने यही लगा लिया। ये है अजर की धनो खड़ी हुई, मैंने सोचा अब तक लगा के सारा कुछ फाइनल कर लिया, अगर मैं सिर्फ जाके रिवेल का काम करूँगा, मतलब गाड़ी जाके सीधी रिवेल करनी होगी मुझे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सीधी सादी सिंपल। अच्छा धुलवा के लाया गाड़ी, तो मेरे को बोल रहा है जूते बाहर निकाल के हैं जगह पे हमें ये उतार रहा है बंदा, ये देखो क्या हालत है जगह की, और बोला था गाड़ी धुलवा के लाइए, वेरी गुड।
वो है अजहर पीछे खड़ा हुआ। बाय द वे मॉडिफिकेशन डन हो गई अजहर की और अभी हैं हम पार्किंग में। यहाँ से जड़ा वाली गली उस संग्योट साइड की इतनी भी गाड़ियाँ वो यहाँ से जाती हैं, तो मैं ना आपको सीधी सी मॉडिफिकेशन दिखाता हूँ, आप देख लेना यार कितनी तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन कराई है अजहर ने। अजहर रेडी, रिवेल करूँ? चलो यार देख लो आप। ये थी अजहर की मॉडिफिकेशन जिससे मैं सुबह से वेट कर रहा था अजहर के लिए। मैं और अजहर ऐसे कॉलेज आया करते थे अजहर, वो दिन याद है? रोज इतना मजा आता होता था वैसे इकट्ठे हम दोनों कॉलेज आया करते थे। फिर अजहर ने बीच में जो है कुछ ऐसे ड्रॉप करा, ऐसे करा वैसे करा, कैसे करके इसने कॉलेज अपना निकाल दिया है। तो चलो यार कोई नहीं, अब हम अकेले बच के, हमारा भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ वैसे कॉलेज में, वो भी ऑलमोस्ट निकल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं कॉलेज ही वाली साइड पे, एक्चुअली वहाँ से गुजरेंगे तो कॉलेज के भी दीदार कर लेंगे। हमें वैसे मन नहीं करता कॉलेज के दीदार करने का, बीच बीच में कर जाता है, बीच बीच में नहीं करता यार, क्या करें ना, मतलब हमारा मन भी ऐसा है हमारे जैसा टैंगी सा। बाय द वे आज तक जितने बंदू के साथ मैं बैठा हूँ गाड़ी में, मुझे अजहर का ड्राइविंग पोस्चर जो है सबसे ज्यादा कैंट लगता है। इतना मस्त होके बैठता है गाड़ी में और एकदम ना चिल सी वाइब लेके गाड़ी चलाता रहता है यार अपनी मौजों में। हमारा कॉलेज जिसकी हमें बिल्कुल याद नहीं आती। ये है हमारी फेवरेट जगह, यहाँ पे आके हमारा शूट जो भी, हमने काफी सारे फोटो शूट्स यहाँ पे किए हुए हैं मैंने और अजहर ने। और ये लोकेशन भी बहुत मस्त थी, पीछे स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और जब गर्मियों के दिन होते हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी हरियाली होती है, तो बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा आता है, लाइक बहुत ठंडी ठंडी वाली हवा भी चलती रहती है यहाँ पे। तो बेस्ट लोकेशन एवर जो कि आज दिन तक हमें मिली है इन सुरनकोट। बात बता मुझे अजहर इस साइड से, ठीक है? तो मुझे एक बात बता, ये आइडिया कहाँ से आया था इतनी तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन तेरे को कराने का? मैं सोया था कोई लगभग 2:30 बजे का टाइम था ना, हाँ, तो अचानक से मेरी आंख खुली। तो तुझे इतना तगड़ा ख्याल सूझ गया, इतनी तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन तूने करवा डाली? मैंने बोला ये मैंने करवाना है। चलिए बाय द वे अभी काफी देर हो गई हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ना अचानक से बहुत तेज वाली बारिश गिरनी स्टार्ट हो गई है। ये फैसलाबाद वाली साइड है और वो साइड वाली वो गुंथल वाली साइड है, और ये यहाँ से पीछे जो है पीर गली वाली साइड है, पीर की गली यहाँ से पीछे पड़ती है, पीर बंजाल रेंजेस सारी की सारी, और वहाँ से आगे फ्लैट, फिर वहाँ से आगे यहाँ पे आके इस साइड पे द्राबा जहाँ पे हम उस दिन विलास को मिले थे, और यहाँ से इधर ये है सुरनकोट हमारा। ऐसे ऐसे होता है ब्लॉग, हार्ट ठंडे हो गए। वेल यहाँ पे तो रात पड़ गई है और शोर यहाँ पे कभी कम होने नहीं वाली, तो मैं छत पे आया था माहौल देखने के लिए, पर यहाँ पे भी बारिश हो रही है तब से अजहर वापस चला गया था उसी टाइम। देखो अभी पूरी रात पड़ी और कितनी तेज़ वाली बारिश आई हुई है, और ऐसी बारिश में ना नींद बड़ी मस्त आती है और लाइटें जलती होनी चाहिए। खैर लाइट चलेगी तो फिर यहाँ पे मन नहीं लगेगा। अभी मैंने जाके दूध लाया है, तो वो दूध नीचे गर्म करने के लिए मैं रख के आया हूँ, पता नहीं वापस जाऊँगा जैसे कल मेरी चाय की हालत हुई थी वैसे ही दूध की हालत भी ना हो जाए। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं पर जाएंगे हम एक शादी अटेंड करने के लिए जम्मू में, तो होप वहाँ पर भी व्लॉग्स बनाएंगे अच्छे वाले, बहुत मज़ा आने वाला है। और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बताया करो यार कमेंट करके, जो भी गलती होती है कुछ भी होता है वीडियो में ना मुझे बता दिया करो, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। होप यू गैज इन्जॉय द वीडियो, अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अगर इतनी ज़्यादा पसंद आ गई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। आप हॉर्न मार लो पहले, नहीं देखो, हाँ पहलो, मतलब मेरे को कुछ बोलने तो दो।